ये कंदारी बच्चा, ये बड़े वाला मुर्गा हमारा वाइट जो था हीरा में, और वो जो है वो जो हमारे घर की ब्रीड निकली थी बच्चा अंडे में से जो बड़ा हो गया था, ये भी कंदारी। क्या हुआ यार, इधर आओ इधर आओ, कहाँ घुस के बैठे हुए हो मियाँ, मम्मी को दिखाओ, तुम सैड हो। हाँ सैड है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार हमने इलाज तकरीबन इनका जब से ही कर रहे हैं माशाल्लाह से, 3-4 दिन से इनको मतलब इसी कंडीशन में होते हुए हो गए। अल्लाह का करम है कि इनमें से कोई भी अभी तक बिल्कुल आखिरी उस पर नहीं आया। अभी भी हम कर रहे हैं, ये देखें तकरीबन सबकी अभी ये कंडीशन है, ये थोड़ी बहुत सेट है, इनसे बेटर है, और ये बिल्कुल सेट है, इनसे बेटर है, बट आए हुए ये भी इसी बीमारी के अंदर हैं। अब मसला पता ही क्या है दोस्तों, काफ़ी भाई और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं मेरे पास कि भाई इनको वाला इंजेक्शन दे दो, इनको वो दो कावा, इनको ये दो। भाई हमने सारी चीज़ें दी हैं, हमें पता है, हमने सारी तदाबीर जितनी भी दवाइयाँ अद्वायात जितनी भी है ना सब दे दी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक एक मेडिसिन प्रॉपर तौर पर हमने चेक कर दिए, और इतनी ज़्यादा भी इनको मेडिसिन हम दे नहीं सकते क्योंकि ये बीमारी में ना इनका वैसे ही मैदा काम करना छोड़ देता है। तो आप लोगों को पता होगा जब स्टमक काम ही नहीं करेगा तो क्या वो बीमार कैसे वो सेट होंगे, तो इस वजह से बिल्कुल इंसान वाला खेल है इसमें। तो वो ये कि अभी इनका ये हाल है, तकरीबन इनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है अब दुआ, वो आप लोग करें, मैं भी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सेटअप सेट हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। बाकी अभी सिर्फ यही अपडेट है इनकी, और एक और अपडेट है जो सेटअप से ऊपर, वो मैं आप लोगों को पढ़ ले जाके दिखाता हूँ। मैंने बोला यार पहले इनको दिखा दूँ, और यार वैसे मैं सच बताऊँ ना बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ अभी इनके लिए। और ये हमारे जो हैं ये भी बैठे हैं यहाँ पे, ये देखें ये रेडी हो जाते हैं फौरन जाने के लिए। नहीं तुम उनसे क्या खेल रहे हो, पकड़ना मत उनको, ये पता ही क्या कर रहे हैं ब्लैकी जो है हमारे, ये उनका ना मुँह पे मतलब चाट रहा है। फिर मैंने बोला यार काट वाट ना ले, फिर भी दांत हैं, तू जरा सा भी नहीं, जरा सा भी कुछ काट ना ले ब्लैकी। मिल लो सबसे, ये देख लें भाई दोस्तों ब्लैकी, आज मैंने बोला आपको ये भी दिखा दूँ। चलो यार आ गए भाई सेटअप पे, वो अकलमंद किसके लिए काट रहे हो आप, तो एक ही तो इतना सारा खाना काटा था। अरे यार अलहमदा इस वक्त इतना सारा खाना काट रहा होता था पूरे सेटअप के लिए। खैर यार सेटअप दिखाने से पहले मैं तुम लोगों को बस ये बोलूँगा यार कि मुझे पता है जो जो लोग देख रहे होंगे उनको भी दुख हो रहा होगा कि यार किसी का सेटअप पाला हुआ होता है ना, उसको पता होता है कि उसके क्या गुजर रही होती है, उसकी चीज़ जब उसके सामने दम तोड़ी होती है तो उसको पता होता है यार, क्योंकि उसके एक तो हाथ की पली हुई चीज़, और उसके बाद सिर्फ पैसा ही सब नहीं होता दोस्तों, एक जानवर आ जाता है ना घर में उससे लगाव हो जाता है, उनसी अस्सी हो जाती है। तो खैर यार आज हमारा सेटअप फर्स्ट टाइम पूरा, तकरीबन हमें एक साल होने को आया था बकराईद पे चैनल को भी, और हो जाएगा तो पूरा एक साल लगा लें, हो गया तकरीबन होने वाला है बकराईद से पहले पहले थोड़ा, तो एक साल में फर्स्ट टाइम हमारा जो पूरे का पूरा सेटअप है वो खाली हुआ है मुर्गियों के हिसाब से, बर्ड्स वगैरह तो हैं बट मुर्गियों के हिसाब से। तो ये देखें ये तो आपके सामने हमने हटा दिए थे, ये पिंजरा रखा हुआ, और जो एक और पिंजरा रखा था उसमें हमने जो है ना वो ये करा है कि आपके सामने कल हमारे पास इधर वो थे सेबराइट, वो हमने उस वाले ग्रीन वाले पिंजरे में डाल के, और जो वाइट वाले थे नीचे वो डाल के उस पिंजरे में डाले, और जो छोटा डॉन था उसको हमने जाली में रखा, और मतलब ऐसे ही करके तीनों को ये देखें खाली है भेज दिया हमने अपने कज़न के घर पे, क्योंकि कज़न के घर पे उनका जाना बनता था, यहाँ पे उनका कोई काम नहीं था क्योंकि यहाँ एक एक करके चीज़ें लपेटे में शदीद तरीके से आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा शदीद तरीके से लपेटे में आ रही हैं। और आज तो मैं तुम लोगों को एक और भी बहुत बड़ी बैड न्यूज़ एक और है, अभी लगातार ही आई जा रही है, जो मेरे ब्लॉग जितने आ रहे हैं 3-4 दिन से आप लोग देखे ही जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, जान पूछ के कुछ भी नहीं होता भाई, जो हो रहा है वो तरीके से चल रहा है, हम पूरी कोशिश करते हैं। ये देखें ये याद है आप लोगों को तीतर, यार इनमें तीतर जो मेल है वो सेट है, वो पड़ा हुआ सीढ़ियों पर, फीमेल जो है ना उसकी कंडीशन बहुत आउट हुई है, वो मैं आप लोगों को नीचे ले जाके दिखा दूंगा, लास्ट में अभी दिखाता हूँ। बाकी यार दोस्तों ये हमारे साथ हुआ है कि हमारा जितना सेटअप है ना वो खाली हो गया, वीरान हो गया पूरा। Thank you.
और अब जो हमने वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ये रखी हुई है मादा बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चे के साथ थी यार, हमने बोला किसी के पास जाए और बच्चा जो है वो कहीं पता चले वहाँ की नहीं सह पाता तो हो सकता था कि वो कुछ भी हो जाए उसको मर ना जाए। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बर्ड्स रहेगा और बजेज वगैरह ये तोते हैं, बस यही रह गए कबूतर और तोते बस। बाकी यार इतनी खुशी से हमने ये जगह भी बनाई थी, अब ये जो हमारे साथ सेटअप का हुआ ना पूरा इसके चक्कर में इस जगह का भी हमारे दिमाग में नहीं रहा कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है सेटअप दोस्तों एकदम से परेशानी आना बहुत भारी पड़ती है। बाकी यार एक मुर्गी जो है वो यहाँ पे ही हमारी सिर्फ और सिर्फ चूके अंडों पे बैठी हुई अंदर, अभी मैं आप लोगों को दिखा सकूँ अगर एक ये देखो ये बैठी हुई ये अंडों पे बैठी हुई है। अब इसके अंडों में से शायद एक बच्चा या कुछ पता नहीं है, हमने कितने बच्चे निकालेगी कुछ पता बस, तो छह अंडे शायद रखेंगे ना, छह अंडों में से सिर्फ एक का लग रहा प्रॉपर चांस, वो भी पक्का नहीं है प्रॉपर चांस लग रहा है हो सकता है निकला, लेकिन आप लोगों को पता है हमारे यहाँ बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तो बस क्या बोले। तो यार ये देखें ये अभी उड़ी, आप लोगों ने चिड़िया देखी थी दो उड़ी, ये बेचारी पानी की तलाश में आई थी, पानी ने दिख गया मैं एकदम आया ना तोड़ के बैठ गई, वो बैठी हुई हो देखें वो बैठ गई वहाँ पे ये बैठी हुई। तो यार कोशिश करा करें कि जब ये आए ना मौसम ऐसा गर्मी का तो आप लोग सब अपने घरों की छत पे आगे पीछे कहीं भी कोई भी जगह हो जितना कर सकें उधर ये रख दिया करें पानी बाजरा, ताकि उनकी भी हेल्प हो और धूप से हटा के रखें, क्योंकि बहुत मुश्किलात में आते हैं यार ये जानवर प्यासे, उनकी हमारी हालत ऐसी हो रही होती है गर्मी में दोस्तों धूप में कि हमारा बस नहीं चल रहा होता कि जाके कहीं ना बस पानी मिलता है हमारे को, और प्यास की जो वो होती है ना एक शिद्दत वो ये कोई चीज़ नहीं बुझा सकती, तो पानी लाजमी रखा करें। और कोई वो नहीं ले रहा मैं बहुत बड़ा सिर्फ बता रहा हूँ एक वैसे हमने कोई काम है कर लोगे भाई मैं नीचे से आ रहा हूँ ठीक है। तो यार अब तो कोई जानवर रहा नहीं है, बाकियों को हमने कर दिया है, सिर्फ बर्ड्स थे उनका तो हमने करा हुआ है दाना पानी। तो यार नीचे आ गए और मैं दिखाता चलूँ आप लोग को आखिर में कि हमारा जो पीतर है बिलव ये देखें कैसी है माशाल्लाह से, ये वही तीतरी है और ये भी सेम एज इट इज इसी बीमारी में आई है, ये देखें सारे इसी बीमारी में आ रहे हैं, ये देखें ये जो मुंह खोल लें इसी गर्मी की शिकायत में नज़ले में भी आ रहे हैं आंखों से पानी, ये देखें ये देखें इनका ना गले में मतलब रेशा जाम हो जाता है उसकी वजह से ये ऐसे ना वही मतलब उकाइयाँ मार रहे हैं बस। तो यार इसका इलाज हम कर रहे हैं पूरा, जो जो इंजेक्शन भाई बताएं कमेंट्स में मुझे जितनी बताएं मैं अच्छी खासी अद्वियात कर चुके हैं हम, हद से ज़्यादा इनको नहीं दे सकते ये नहीं सह पाते प्रॉपर, और बाकी जो है इंजेक्शन वगैरह वो हम प्रॉपर तौर पे दे रहे हैं सब कुछ यार, बाकी अब सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है, बाकी अल्लाह पाक ने जो नसीब में लिखा है देखें उसके अलावा कोई कुछ नहीं बदल सकता, तो वो जो होना होगा वो हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई हो या नहीं, तो अभी तो मैं परेशान चल रहा हूँ तो बस यार चलते हैं इंशाल्लाह, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट नए न्यू व्लॉग में और अच्छे से व्लॉग में अच्छी खबर के साथ इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय।